पुलवामा हमले की चौथी बरसी आज पीएम मोदी ने शहीदों को किया नमन, ट्वीट कर कहा वीरों के सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर, सहकारी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। विश्व नागालैंड पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे शाह। पप्पू यादव के काफिले का एक्सीडेंट, भीषण सड़क हादसे में बाल बाल बचे पप्पू यादव, ट्रक द्वारा ओवरटेक करने से कई गाड़ियां आपस में टकराई। विधानसभा में आज भी सुनाई देगी जनहित के मुद्दों की गूंज, 16 फरवरी को आएगा सीएम गहलोत का जवाब। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 75 आईपीएस के तबादले, 19 जिलों के बदले एसपी। राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा रद्द, कांग्रेस का आरोप घबराई भाजपा, वाराणसी में नहीं उतरने दिया चार्टर्ड प्लेन। हिमालय क्षेत्र से चली बर्फीली हवा, फतेहपुर में तापमान 0 के करीब, 6 डिग्री तक गिरा पारा। बाड़मेर के सकरोड़ा गांव में हादसा, पानी की टंकी में डूबने से भाई बहन की मौत। अजमेर में दिन दहाड़े आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक में लूट की वारदात, हथियार की नोक पर नकाबपोश लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। पटना में आयोजित 18वीं नेशनल एथलेट प्रतियोगिता में नागौर के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता, नागौर के एथलेटिक संघ के अध्यक्ष ने टीम को दी बधाई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में दो बच्चों को लेकर ट्रेन के आगे कूदी महिला की मौत, कपासन के पांडोली स्टेशन प्लेटफॉर्म की घटना। झुंझुनू के सिंघारा में चिड़ावा रोड बाईपास पर बेकाबू स्विफ्ट कार रेस्टोरेंट में घुसी, गनीमत रही नहीं हुई कोई जनहानि। बीकानेर में इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्मिकों को हटाने का मामला, पिछले 8 दिनों से लगातार अनशन जारी। जयपुर में ग्रेटर नगर निगम की ओर से स्वच्छता दौड़ का आयोजन, स्वच्छता दौड़ में हजारों की संख्या में भाग ले रहे जयपुराइट्स। जयपुर में ब्राह्मण संगठन ने विधानसभा पर कई मांगों को लेकर धरना दिया, प्रतिनिधिमंडल के मंत्रियों को सौंपा ज्ञापन। नागौर में नर्सिंग ऑफिसर की हिट एंड रन में मौत का मामला, पुलिस ने आरोपी फॉर्च्यूनर चालक को किया गिरफ्तार। जैसलमेर में 2 दिवसीय गांधी नर्सन शिविर का आयोजन, कलेक्टर टीना डाबी सहित प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। जोधपुर के मंडोर में डांडिया अब्बास थाना पुलिस ने फरार तस्कर को किया गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के धार से किया गिरफ्तार। भीलवाड़ा में सर्जिकल आइटम बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। अलवर के कठुमर में रेलवे ट्रैक के पास मिला युवक का शव, युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। अलवर में ट्रक और पिकअप की हुई आमने सामने से भिड़ंत, हादसे में युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। डूंगरपुर बाइक की टक्कर से वृद्धा की मौत, घटना के बाद बाइकर बाइक लेकर हुआ फरार, पुलिस ने बाइक सवार की तलाश की शुरू। जयपुर में 26 वर्षीय युवक ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर की आत्महत्या, धानक्या रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन के आगे लगाई छलांग। अलवर में इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में एक 23 वर्षीय युवक की हुई मौत, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। सिरोही में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते डीएसटी टीम ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, 35,500 रुपए भी किए जब्त। राजसमंद के भीम में गैस से भरे ट्रक ने भारी बाइक को टक्कर में बाइक सवार हुआ गंभीर घायल। नागौर में अज्ञात कारणों से खेत में लगी आग, लोगों ने टैंकर और दमकल की मदद से आग पर पाया काबू। एमसी स्टेन बने बिग बॉस 16 के विनर, सोशल मीडिया पर फैंस ने दी बधाई। वेब सीरीज फर्जी को फैंस ने बताया शानदार, शाहिद कपूर की एक्टिंग के मुरीन हुए लोग।